हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, क्या हमें फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए या अपना अमाउंट सेविंग बैंक में रखना चाहिए या म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, इंश्योरेंस कराना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी फंड, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो मार्केट में चलते हैं और हम ना जाने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से ग्रोथ देना चाहते हैं तो बदलते टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ये पैसा आपका बिल्कुल सेव है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और मार्केट के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इस स्कीम में निवेशक मासिक तौर पर ब्याज का लाभ ले सकता है। आमतौर पर FD पर मिलने वाला ब्याज दर अधिक है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो ये सबसे अधिक रिटर्न भी देता है। लेकिन अगर आप FD करा रहे हैं तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तेजी से हमारी महंगाई बढ़ रही है, मार्केट की महंगाई बढ़ रही है, क्या उसके मुकाबले फिक्स डिपॉजिट में जमा करा गया पैसा हमारा बढ़ रहा है? आपका रिप्लाई होगा नो। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं आज की टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, जो भी परसेंटेज हमको मिलता है 9 साल बाद या 10 साल बाद हमारा पैसा डबल होगा, लेकिन महंगाई 3 गुना हो चुकी होगी। इसका मतलब यह है कि जो पैसे से आज हम जितनी क्वांटिटी में चीज़ खरीदते हैं, मान करके चलिए अगर हम 100 रुपये में हमें आज कोई चीज़ ऐसी है जो एक प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट की कीमत 10 साल के बाद 3-4 गुना हो चुकी होगी, लेकिन हमारा पैसा डबल होगा तो हम उस प्रोडक्ट को यानी कि नहीं ले पाएंगे डबल में भी, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत 3 गुना बढ़ गई, महंगाई 3 गुना बढ़ गई। फिक्स डिपॉजिट अगर आप चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट करना तो महंगाई के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरा बात आता है, क्या सेविंग अकाउंट में ही पैसा जमा रहने दे? दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट में ही अपना पैसा जमा रहने देते हैं तो आप सिर्फ बैंकों को ही फायदा करा रहे हैं, आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। बैंक को पैसा दे करके कोई अमीर नहीं बना, बैंक से पैसा लेकर के लोग अपने बिजनेस में लगाते हैं, बैंक से पैसा लेने के बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा बैंकों में रख देते हैं। याद रखें, बैंकों को पैसा देने वाला बंदा या बैंकों को पैसा देने वाले लोग इन्वेस्टर नहीं कहलाते, वो सिर्फ अपनी सेविंग अकाउंट को भर रहे हैं। तीसरी बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड की, क्या हमारे लिए SIP, म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड वगैरह ये ठीक रहेंगे? अगर हमारे लिए ठीक रहेंगे, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा जाता है, सरकारी बॉन्ड्स कहा जाता है, डायरेक्ट इक्विटी कहा जाता है, इनमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट में क्या योगदान रहेगा, हमें क्या रिटर्न मिलेगा? अगर आप इनमें रिटर्न लेते हैं तो पहले जो रिटर्न मिला करता था हमको, वो मिलता था 5% से लेकर के 7% फीसदी ब्याज की दर से। आज के टाइम में जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं जो प्रॉफिट होता है, वो सालाना का 8% से लेकर के 9% मिल पा रहा है। कारण इसका यह है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं रातों रात हम अमीर हो जाएंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप 1 साल बाद भी आपका पैसा डबल नहीं होगा, 2 साल बाद भी नहीं होने वाला, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड को आज अपनाते हैं। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में लोगों को जानकारी है, लेकिन उनको इतनी जानकारी भी नहीं है कि वे म्यूचुअल फंड से किस तरीके से पैसा डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। टाइम देना पड़ता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा 3 साल बाद भी डबल हो जाएगा, तो दोस्तों थोड़ा सा डाउट है उस पर भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप पता करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 3-4 साल पहले भी लगाया होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे हिसाब से आज के दौर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी वाला जो जमाना है उसके दौर के हिसाब से हम पीछे हैं अभी भी। दूसरा आता है कि गोल्ड में, ज्वेलरी में पैसा लगाना ठीक रहेगा? आप देखें 2010 में गोल्ड का क्या प्राइस था, 18,500 रुपये था। 2020 चल रहा है, आज प्राइस कितना है? आज के हिसाब से 59,000 रुपये के आसपास है, यानी कि 3 गुना बड़ा है। गोल्ड को हम मान सकते हैं कि हाँ, गोल्ड में लगाया हुआ पैसा हमारा 3 गुना हुआ है, वो भी अभी इसकी वजह से हुआ है, जो कोरोना की वजह से मार्केट डाउन गई। जब मार्केट डाउन जाती है तो सोने का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हो सकता है मे बी इस वजह से हुआ हो, क्योंकि पीछे का जब रिकॉर्ड हम देखेंगे गोल्ड का, तो 2011, 12, 13 या फिर 2017 में इतना नहीं था, अभी लास्ट 2020 जनवरी में भी इतना प्राइस नहीं था, ये एकदम से मार्केट बूम करी। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है रियल इस्टेट की, लेकिन रियल इस्टेट में बहुत मोटा पैसा चाहिए, हर किसी के पास इतना नहीं होता, और उसके साथ साथ रियल इस्टेट एक ऐसी जगह होनी चाहिए वो आपका एरिया हो, एम्प्लॉयज़ हो वहाँ पे, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, मार्केट हो, कंपनीज़ हो जहाँ पे लोग एम्प्लॉयज़ काम वगैरह कर सकें आसपास, वहाँ अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके प्राइस बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किस सस्ते के चक्कर में किसी ऐसी जगह प्रॉपर्टी ले लेते हैं जहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, लोगों के
फायदे की, तो आपके प्राइस वहाँ पर नहीं बढ़ेंगे। रियल इस्टेट में पैसा मोटा होना चाहिए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा देता है, लेकिन मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है किस जगह आप लेते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे 5-7 चीज़ें बताई पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करें, कैसे करें, हमने सारे तरीके बताए। नेक्स्ट पारी आती है हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज़ की। क्या क्रिप्टो करेंसीज़ में पैसा हमारा डबल हो सकता है, 3 गुना 4 गुना हो सकता है? कंपाउंडिंग इनकम है इसके अंदर। कंपाउंडिंग इनकम का मतलब होता है आज अगर आप किसी पैसे को यहाँ लगाते हैं तो वो जस्ट डबल 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 मल्टीप्लाई होकर के आता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा माध्यम है जो अपने आप छोटे से इन्वेस्टमेंट को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं, 100 times भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, रियल बिटकॉइन, मिथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, इन सभी चीज़ों के अंदर। लेकिन दोस्तों रिस्क इसके अंदर भी रहेगा। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जिसमें रिस्क नहीं रहता, आपको रिस्क हर किसी में लेना पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप किसी एक ऐसी करेंसीज को पकड़ के चलें जो थोड़ा एस्टेब्लिश है, जिसका प्राइस 30% डाउन 30% हाई ना जाता हो। क्रिप्टो करेंसीज की सिर्फ एक यही प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे पैसा भी लोगों का उसी हिसाब से पड़ता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपका प्रॉफिट भी होता है। बारी आती है कि क्रिप्टो करेंसीज में कौन सी करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट करें। कहने को हम कह सकते हैं बिटकॉइन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इथेरियम भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाइटकॉइन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या ये सेफ है? हाँ ये सेफ है, ये कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन आपको रिस्क इसमें भी उठाना पड़ेगा। माहौल के हिसाब से लोगों को चेंज कर देने चाहिए अपने प्लान। हर किसी का एक दौर होता है, लोग पहले फिक्स डिपॉजिट किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में मैं समझता हूँ शायद 2-4% ही लोग ऐसे होंगे जो फिक्स डिपॉजिट करते होंगे। नेक्स्ट हमारी बात ही आती है CRU के बारे में, क्या हम CRU में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बताए थे, बाकी राय आपकी रहेगी। CRU में लगने वाला जो पैसा होता है वो एक सेक्टर में नहीं लगाया जाता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इससे पहले, वो सब एक अलग अलग बॉन्ड हो गए, अलग अलग स्टेट हो गया। CRU यानी क्रिप्टो यूनिट। क्रिप्टो यूनिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी कंपनी को इकट्ठा कर दिया जाता है, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और ये प्रोजेक्ट बेस होता है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले किस किस चीज़ों पे अब तक हमारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। एजुकेशन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर, सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, हेल्थ एंड लॉन्गेविटी डेवलपमेंट सेंटर, इनोवेशन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, इनोवेशन डेवलपमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर, सेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कॉरपोरेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, साइंस सेक्टर, कल्चर सेंटर, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस मेटल सेक्टर, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन सेक्टर, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर, चैरिटी सेक्टर्स, सुशी मास्टर रेस्टोरेंट, बसाल्ट फैक्ट्रीज, इन सारी चीज़ों में क्रिप्टो यूनिट पैसा इन्वेस्ट करती है। तो हमें शायद इसी प्लेटफॉर्म की तलाश थी कि हमारा पैसा एक सेक्टर में ना इन्वेस्ट होकर के बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट हो, और हम अगर हमारा जितना पैसा सारे अलग अलग सेक्टर्स में होगा तो हमारा रिस्क भी उतना कम होगा। क्योंकि होता क्या, अगर हम एक ही पैसे को सारा पैसा अगर हम एक ही सेक्टर में लगा देते, हो सकता है मार्केट डाउन चली जाए, हो सकता है हमें मिलने वाला जो प्रॉफिट हो वो कम मिले, लेकिन अगर आप क्रिप्टो यूनिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर लगने वाला जो पैसा होता है आपके 70 सेक्टर्स में लगाया जाता है। अभी मैंने बताया आपको 20 कंपनीज़ के बारे में, 20 कंपनीज़ में अब तक पैसा लग चुका है, और उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें CRU का पैसा जो लगने वाला है उससे जो रेवेन्यू आता है वो बहुत बढ़ करके आता है। तो आप देख सकते हैं खुद ही आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये हमारा पार्ट था, और इसके साथ साथ दोस्तों हम एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, वो ये कि यहाँ पे लगाए हुआ पैसा आप तुरंत नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी पैसे को सही तरीके से आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जब आपका पैसा किसी कंपनीज़ में लगा हो। ये कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो आपको एक एजुकेशन पैकेज देती है, एजुकेशन पैकेज देने के साथ साथ आपको फ्री में क्रिप्टो यूनिट टोकन देती है। और अब आपका पैसा लग चुका है मार्केट के अंदर, अब कंपनी आपके पैसे को यूज़ करेगी, और उससे मिलने वाला जो प्रॉफिट होगा, जो रेवेन्यू आएगा, उसकी वजह से कंपनी का जो एसेट्स होता है वो बढ़ जाता है, और एसेट्स की वजह से क्रिप्टो यूनिट टोकन जो आपको फ्री में दिए गए हैं उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब अपने पैसे को आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप निकाल लेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू फिर दोबारा से कम हो जाएगी। तो कंपनी एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाती है, वो ये कि आप जो भी पैसा निकालते हैं, जो भी पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं, वो पैसा आप 12 महीने के बाद 1% हिस्सा अपना बेच सकते हैं, 1% हिस्सा बेच सकते हो, वही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। वैसे ही जब 13वां महीना आता है उसमें भी आप 1% हिस्सा बेच सकते हैं, उसी तरीके से करते करते 18 महीने तक आप 1% हिस्सा बेच सकते हैं, फिर उसके बाद आपको 1.5%, उसके बाद आपको 2%,
2.5% और फिर 5%, यानी कि टोटल पैसा आप निकाल सकते हैं 35 महीने के बाद। और 35 महीने बाद अपना जब आप पैसा निकालेंगे तो ये एक एथिक्स होता है किसी भी पैसे को बढ़ाने के लिए। जब मार्केट में सभी लोगों का पैसा इन्वेस्ट होगा और हर व्यक्ति सिर्फ 1-1% निकाल रहा होगा तो क्या होगा, मार्केट की वैल्यू बढ़ रही होगी क्योंकि लोग वहाँ पर बायर्स ज़्यादा होंगे, सेलर्स कम होंगे, जिस वजह से आपका पैसा बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारी सीआरयू के बारे में जानकारी थी, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, सीआरयू है क्या उसको समझने के लिए आप वीडियोज़ को देखें। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।